असलाम स्टूडेंट्स किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी के लिए फाइनेंस इम्पोर्टेंट हैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहें सबसे पहले बात होती है पैसे कहाँ से आएंगे बिल्कुल इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कोई इनिशिएटिव लेने से पहले उसकी जो फंडिंग सोर्सेज और उनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ के दौरान फाइनेंशियल और सोशल इम्पेक्ट या रिटर्न जो है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है बिजनेस में तो एक अट्रैक्शन होती है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न के लिए है लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में चैलेंज होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है उससे ना सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न हो बल्कि सोशल इम्पेक्ट हो और दोनों में कोई फाइन बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जा सके फंडिंग के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स को मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें अब तक आप जिससे फेमिलियर हो चुके होंगे वो है ग्रांट फंडिंग ग्रांट फंडिंग जो है वो फिलनथ्रॉपस्ट इंडिविजुअल और ऑर्गनाइजेशन चैरिटेबल परसनस नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन और गवर्नमेंट्स फ्राहम करती हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको अपने सोशल कॉजस और अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि वो कौन से सोर्स से किस किस्म की ग्रांट जो है वो ले सकते हैं ये ग्रांट्स जो हैं उसमें एक बड़ा फ़ायदा इस चीज़ का है कि जो इन्वेस्टर है जो ग्रांट देने वाले हैं जिसमें इंडिविजुअल फ़िलेथ्रॉपिस्ट हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट रिटर्न में फाइनेंशियल रिटर्न में नहीं होता बल्कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि वो उस सोशल कॉज से कमिटेड हैं जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए ये काफ़ी होता है कि अगर उस सोशल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के ज़रिए से जो इम्पेक्ट है वो क्रिएट हो सोसाइटी में वैल्यू एडिशन हो जो सोशल प्रॉब्लम जो टारगेट है उसको सॉल्व किया जा सके या नीड को एड्रेस किया जा सके ग्रांट फंडिंग का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स को एक फ्लैक्सबिलिटी देती है कि वो अपने टाइम में अपने तरीके से अपने मिशन को परसू कर सके दे आर नॉट ओवर ऑक्यूपाइड या प्री ऑक्यूपाइड के ये पैसे वापस करने हैं किस तरह से वापस करने हैं एक्सेस रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है और वो जो उसमें एक डर होता है फोकस शिफ्ट होने का मिशन से फ़ाइनेंसेस के ऊपर ग्रांट्स के हवाले से वो प्रॉब्लम नहीं रहता ग्रांट्स जो हैं वो मुख्तलफ़ ऑर्गनइजेशनस फ्राह्म कर सकती हैं गवर्नमेंट शमूमा ग्रांट्स उस सूरत में देती हैं जब सोशल एंटरप्रेन्योर्स किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हों जिसमें गवर्नमेंट या तो काम करना ना चाहती हो या उसकी इस तरह की ना आ, आ, उसके पास एक्सपर्टीज़ हो या लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल इश्यूज़ इस कस्म के हों कि वो उसमें काम करने में कंफर्टेबल ना हो ऐसे में सोशल एंटरप्रेन्योर्स चूँकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिटीजन एंड सोसाइटी ले लेते हैं जो कि दरअसल गवर्नमेंट की थी तो गवर्नमेंट फिर बजट के वो हिस्से जो हैं उन्हें ग्रांट की शक्ल में जो कि उन सेक्टर्स के लिए थे वो मुख्तु सोशल इंटरप्र्योर इंडिविजुअल्स या ऑर्गनाइजेशन को दे देते हैं इंटरनेशनली ग्रांट्स जो हैं वो बाकायदा फाउंडेशनस बनी हुई हैं जो मुख्तु किस्मों की ग्रांट्स फ्राहम करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अशोक और स्कोल फाउंडेशंस जो हैं वो अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज दोनों तरह की ग्रांट्स फ्राहम करती हैं अशोका के हवाले से अब तक आप वेलवर्स well हो चुके हैं कि अशोका का मेन फोकस जो है ग्रांट्स में वो फेलोशिप्स पर है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं रादर देन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को स्कॉल फाउंडेशन जो है वो ग्रांट्स देती है जो कि अर्ली स्टेज एक्टिविटीज़ और जब वो स्केल अप हो रही हो या ग्रोथ स्टेज एक्टिविटीज़ दोनों के लिए हो सकती हैं इसी तरह ड्रेपर्स ऑर्गनइजेशन जो है सोशल एंटरप्रेनशिप के लिए वो बहुत स्पेसिफ़िक थ्री हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स की ग्रांट देते हैं ओवर आ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स और वह रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ या मुख्तलफ ईश्यूज़ जो हैं उनके हवाले से हो सकती है उसमें पाबंदी नहीं है इनोवेशन जो है वो ज़रूर रिक्वायर्ड है कि अगर किसी सोशल एंटरप्रन्यर के पास कोई इनोवेटिव आइडिया है कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें पहले किसी ने काम नहीं किया कोई ऐसा सोशल प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका या उसको करने की कोशिश नहीं की गई या पिछली अटेम्प फेल हो गई तो जो इनोवेटिव आइडिया है एंटरप्रेन्योर का उसके ऊपर उसे वो तीन साल के लिए ग्रांट मिलती है इस तरह की जो ग्रांट्स हैं उनमें एक फायदा ये होता है कि सोशल एंटरप्रेन्योर को अपनी एक्टिविटीज को ग्रांट अमाउंट और उसका जो पीरियड है उसके मुताबिक एडजस्ट करना होता है वो एंडलेसली नहीं उसको लेके चल सकता उसको पता है ये थ्री हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स उसको खर्च करने हैं और अपना इम्पेक्ट जो है वह डेमॉन्स्ट्रेट करना है उसमें फाइनेंशियल रिटर्न की उसके ऊपर प्रेशर जो है वो नहीं है इसलिए वो सिंगल माइंडेडली अपने सोशल मिशन को फोकस कर सकता है इसी तरह बास ग्रांट्स जो हैं ख़ास तौर पर इंटरनेशनल ग्रांट्स वो मुख्तलफ रीजनस को फोकस करके दी जाती हैं क्यूमन फंड जो है एक बहुत ही नोन ऑर्गनाइजेशन है जो फंडिंग करती है ग्रांट्स में इंडिया पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे बास सोशल प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी है जैसे फीमेल लिटरेसी है जैसे डिजीज़ और हंगर हैं इन इश्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है क्यूमन फंड जो है वो जोग्राफिकली टारगेट करते हैं अगेन इश्यूज का उसके ऊपर कोई इशू नहीं है कि कौन से इश्यूज को एक्यूमेन फ़ंड करेंगे कौन से इश्यूज को नहीं सिर्फ जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर इंडिया के फ्लंग रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी का कोई प्रोजेक्ट है तो तोयूमन की ग्रांट जो है उसके लिए सूटेबल है पाकिस्तान में अगर फीमेल लिटरेसी के ऊपर काम हो रहा है और इन पाकिस्तान में बहुत सारे जो नए सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक्मन की जो ग्रांट्स हैं उनके ज़रिए से काम कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीका में एक्यूमन की बहुत सारी ग्रांट फंडिंग जो है वो बहुत डायवर्स एरियाज जिसमें डिजीज़ यानी हेल्थ सेक्टर से ले कर एजुकेशन पॉवर्टी लाइवलीहुड मुख्तलिफ एरियाज में अवेलेबल हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स को समझने की ज़रूरत है कि जो ट्रेडिशनल फिल्म थी और ये जो ग्रांट्स हैं उसमें फ़र्क क्या है जो ट्रेडिशनल फिलनथ्रापी है वो जस्ट गिविंग अवे है चैरिटी है जो देने वाला जो कि अमूमन एक इंडिविजुअल डोनर होता है वो पैसे देने के बाद जो है वो एक तरह से उसको वो इशू नहीं होता वो अकाउंटेबल नहीं ठहराता रेसिपियंट को जबकि ये जो ग्रांट्स हैं इसमें अकाउंटेबलिटी उसमें पेपर वर्क उसमें रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फाउंडेशनस हैं जो ग्रांट्स देती हैं वो बेसिकली ख़ुद मनी जो है वो कलेक्ट कर रही होती हैं अमूमन होस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में टैक्स पेयर्स से और टैक्स पेयर्स जो हैं वो इंक्रीजिंगली इंसिस्ट करते हैं इन फाउंडेशनस को कि वो अपनी मनी का अपने डोनेशन का इम्पेक्ट देखना चाहते हैं इस तरह जो ग्रांट रेसिपियंट्स हैं अगरचे उन्हें फाइनेंशियल रिटर्न की ऑब्लिगेशंस या प्रेशर तो नहीं है लेकिन रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है और ग्रांट्स जो हैं वो ज़्यादा कम्पटिव होती जा रही हैं इस लिहाज से कि हाई स्किल चाहिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए उन ग्रांट्स को ताकि जो डोनर्स हैं फाउंडेशंस के उनको सेटिस्फाई किया जा सके थैंक यू